हाँ जी बच्चों, तो लास्ट क्लास में इंटेजर्स में हमने क्या कुछ किया था, कुछ याद है? हाँ, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पर ही अभी हम थे इंटेजर्स की। तो एक बार जरा जल्दी से मुझे बताओगे। हम फिर से एक टेबल बनाते हैं। यहाँ हमने लिखा एडिशन, यहाँ हमने लिखा मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर हम कह रहे हैं 2 प्लस साइन, टू पॉजिटिव इंटीजर्स इफ आई ऐड, माय आंसर विल बी पॉजिटिव। इफ आई मल्टीप्लाई टू पॉजिटिव इंटीजर्स, माय आंसर विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज पॉजिटिव। इफ आई ऐड टू नेगेटिव इंटीजर्स, माय आंसर विल बी, इफ आई मल्टीप्लाई टू नेगेटिव इंटीजर्स, माय आंसर विल बी पॉजिटिव। I have one negative, one positive integer. On addition, what will happen? नेगेटिव हमेशा फिर गड़बड़ कर दो तुम। हाँ, मल्टीप्लीकेशन में नेगेटिव कह सकते हो, हमेशा नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। मल्टीप्लाई करने पे हमेशा आंसर नेगेटिव, लेकिन एडिशन पर कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। जो नंबर बड़े साइन के साथ, बड़ा नंबर जिस साइन के साथ होगा वही मेरा आंसर हो जाता है। सपोज आई हैव -5 + 3 और आई हैव -3 + 5, पहले में आंसर क्या बनेगा, नेगेटिव के पॉजिटिव? नेगेटिव, क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है, इसलिए आंसर नेगेटिव में जाएगा। यहां पर बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है, इसीलिए आंसर पॉजिटिव में जाएगा। चलिए जी, तो ये तो हमारे पास जो बात हो गई वो हुई कि अगर मैंने इंटीजर्स को मल्टीप्लाई या ऐड करना है तो क्या होगा। सेम इज द केस डिवीजन में, दो पॉजिटिव को डिवाइड करो आंसर पॉजिटिव, दो नेगेटिव को डिवाइड करो आंसर पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को डिवाइड करोगे आंसर नेगेटिव। जो मल्टीप्लीकेशन के साथ रूल वही नेगेटिव के साथ डिवीजन के साथ चलेगा। अब हमने जो बात करनी है दैट इज प्रॉपर्टीज। बताओ जी, क्लास में कर चुके हो? बोलो जी, कॉम्यूटेटिव, क्लोजर, ये प्रॉपर्टीज कर चुके हो क्लास में कि नहीं? कर चुके हो कि नहीं, जल्दी बोलो। कर चुके हो, तो सबसे पहले आप मुझे बताओगे क्लोजर प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एक सेकेंड, एसोसिएटिव, और चार हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। कौन से चार ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास? हाँ जी बोलिए जी, विच फोर ऑपरेटर्स डू वी टॉक अबाउट मैथ्स में? बेसिक चार ऑपरेटर्स कौन से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन? एडिशन लो जी, ये चार हमारे पास ऑपरेटर्स और तीन हमारे पास, अभी हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओगे आप कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, बस पहले तो ये बता दो। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई एग्जांपल से या कैसे भी? हाँ जी, सेवेंथ ए दिस फर्स्ट बेंच फर्स्ट गर्ल, बोले बेटा, माइक के पास जाके फटाफट दबा दो, जल्दी जल्दी। व्हाट डू यू मीन बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी? कम नियर द माइक एंड टेल मी। एग्जैक्टली, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप किन्हीं भी दो इंटीजर्स को उठा लो, उनके ऊपर आप एडिशन लगाओ, सब्ट्रैक्शन लगाओ, मल्टीप्लिकेशन लगाओ या डिवीजन लगाओ, आंसर भी इंटीजर ही अगर बने तब तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, अदरवाइज हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है। तो सबसे पहले मुझे बताओगे क्या एडिशन ऑफ जो है आपके पास इंटीजर्स की, इज इट क्लोज्ड?
इज एडिशन क्लोज्ड फॉर इंटीजर्स और नॉट? यस, अगर मैं किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करूं, मेरा आंसर इंटीजर ही बनेगा. सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. क्या सब्ट्रैक्शन के लिए इंटीजर्स क्लोज्ड हैं? नहीं है. कोई भी दो इंटीजर ले लो, एक 3 ले लिया, एक 5 ले लिया, सब्ट्रैक्ट करूं, आंसर क्या बना? बोलो जी, पहले आंसर बोलो. 3 - 5 क्या आंसर आएगा? -2 के 2. -2, क्योंकि नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है, सो आंसर आया -2. इज -2 एन इंटीजर? यस. इसका मतलब इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं. यही दो इंटीजर ले लेते हैं, एक 3 है, एक -5 है. अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आ रहा है? -15. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन से आंसर बनता है नेगेटिव. तो यहां पर आंसर आ रहा है -15. इज -15 एन इंटीजर? सो आई विल से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. अब जरा बात करनी है हमने डिवीजन की, और थोड़ा सा ध्यान से हमें यहाँ पर बात करनी पड़ेगी. बताइए जी, क्या इंटीजर्स क्लोज्ड होते हैं अंडर डिवीजन? बोलो बच्चों. नहीं होते. अगर लेट अस से आई एम डिवाइडिंग 4 by 2, व्हाट इज माय आंसर? 2. लेकिन अगर सपोज मैं कर दूं 2 by 3, इज माय आंसर एन इंटीजर? नो, ये इंटीजर है, लेकिन यहां पर मेरा आंसर इंटीजर नहीं बन रहा. इसका मतलब अगर मैं किन्हीं भी दो इंटीजर्स को डिवाइड करूं तो जरूरी नहीं है कि मेरा आंसर इंटीजर हो जाए. इसका मतलब डिविजन में डिविजन इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन. तो क्लोजर प्रॉपर्टी 3 ऑपरेटर्स पर अप्लाई होती है इंटीजर्स के लिए, और चौथे ऑपरेटर पर अप्लाई. चलिए जी, नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्यूटेटिव? कॉम्यूटेटिव का मतलब अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूं, जिन दो नंबर्स पे मैं एडिशन लगाऊं, मल्टीप्लिकेशन लगाऊं, डिवीजन लगाऊं, या कुछ भी, चारों में से कोई भी ऑपरेटर करूं, मैं उनमें पोजीशनिंग चेंज कर दूं, ए की जगह बी और बी की जगह ए, तो क्या मेरा रिजल्ट सेम रहेगा? मतलब अगर हम एडिशन की बात करें तो मैं कहूं ए प्लस बी, इज इट सेम एज बी प्लस ए और नॉट? ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, आर द टू सेम? मैं करूं 5 - 3 या मैं करूं 3 - 5, 5 - 3 से आंसर क्या आएगा? नेगेटिव और 3 - 5 से नेगेटिव 2, तो दोनों बराबर नहीं हुए. मल्टीप्लिकेशन की बात करें, 3 - -5 करें या -5 - 3 करें, क्या आंसर में कोई फर्क आएगा? दोनों ही -15 आने वाले हैं. लेकिन अगर मैं 3 को -5 से डिवाइड करूं, या तो फिर -5 को 3 से डिवाइड करूं, क्या आंसर सेम आएगा या अलग अलग आएगा? आई गेट डिफरेंट आंसर्स आउट ऑफ इट. इसका मतलब ये बराबर नहीं है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर नहीं. इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन से दो ऑपरेटर्स पर लग रही है? नहीं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पर लग रही है, लेकिन किन दो पर नहीं लग रही? सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो पा रही. इसका मतलब यहां लगी, यहां लगी, यहां दो जगह नहीं लगी. अब हम बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की. एसोसिएशन की जब भी हम बात कर रहे हैं तो हम दो की बजाय
हमने यहां पर या यहां पर दो ही नंबर्स के साथ काम किया। क्लोजर में कहा दो को ऐड करें तो इंटीजर मिला के नहीं, कॉम्यूटेटिव में कहा इंटरचेंज कर दें तो कुछ हुआ या नहीं। अब बात करनी है एसोसिएटिव में, और एसोसिएटिव में तीन नंबर्स के साथ काम। एसोसिएटिव का मतलब है आई एम डूइंग द एसोसिएशन, मैं किसके साथ एसोसिएट हो रही हूँ, किसके साथ आई एम हैविंग अ रिलेशन। एक बार मैंने कहा बी और सी को ऐड कर दो उसमें ए ऐड कर दो, या मैं कहूँ ए और बी को ऐड करके उसमें सी को ऐड कर दो, क्या ये दो चीजें इंटीजर्स में सेम रिजल्ट देंगी? बोलिए जी। सपोज ए को हमने ले लिया है 3, बी को लिया है 5, और सी को ले लेते हैं से 2। एक मैंने क्या कहा 5 + 2 को ऐड करूं, कितना आएगा 5 + 2? 7 में 3 को ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा 10। यहां हम क्या कह रहे हैं, हमें पता है पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, 3 + 5 करेंगे आंसर आया 8, 8 में 2 ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा 10। इसका मतलब क्या मैं कह सकती हूं इंटीजर्स पर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल होगी? आप जरा सोच के बताना क्या सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्कआउट होगी कि नहीं होगी? सपोज हम वही एग्जांपल लेते हैं, ए 3 लिया हमने, बी को 5 लिया और सी को लिया 2। अब मैं क्या कह रही हूं, ए माइनस बी माइनस सी करो या ए माइनस बी के रिजल्ट में से सी को सब्ट्रैक्ट करो। ए है 3, बी है 5, सी है 2। 5 - 2 इज 3, 3 - 3 इज, अब यहां देखते हैं 3 - 5 किया पहले और उसमें से 2 माइनस किया। व्हाट इज 3 - 5? सोच के आंसर करना। अब फिर से सोच के बात करना, ये -2 और यहां से भी -2, तो आंसर क्या बनेगा? विल इट बी -4 इट विल बी +4? यहीं पे कंफ्यूजन है। ये लास्ट टाइम भी हमने इसके बारे में बात की थी, -2 इज सेम एज -2 में -2 की एडिशन। एंड वी नो व्हेन टू नेगेटिव नंबर्स आर एडेड रिजल्ट इज अ, तो यहां पर आंसर 0 बना, यहां पर आंसर -4 बना। तो क्या सब्ट्रैक्शन पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? नहीं हो रही। एसोसिएशन पर सब्ट्रैक्शन पर आपकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो अप्लाई नहीं होती। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में देखोगे तो अप्लाई होगी और डिवीजन में अप्लाई नहीं। तो ये चार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ डिवीजन पर नहीं लगती, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर नहीं लगते हैं और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर लग जाते हैं। इसके साथ साथ दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा काम आने वाली चीज है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब हम क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब दिस इज सेम एज ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, और यहां है ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। मतलब मैं पहले दो नंबर्स को ऐड करके फिर इससे मल्टीप्लाई करूं, या इंडिविजुअली नंबर्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट्स को ऐड करूं, मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन अभी हम देखेंगे, क्वेश्चन हम असाइनमेंट के करेंगे तो विल कम टू नो कि हम क्या बात यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है जी।
चलिए जी, असाइनमेंट है आप लोगों के पास, लास्ट क्लास में जो हमने ली थी, निकालिए जी। फर्स्ट मैच द फॉलोइंग हमने कर लिया था, सेकंड मैच द फॉलोइंग हमने, फटाफट करते जाओ, अभी अभी हमने सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज की हैं, जल्दी जल्दी बता दो। कॉलम वन में हम कह रहे हैं -3 + 5 इज इक्वल टू 5 + -3, विच प्रॉपर्टी एम आई टॉकिंग अबाउट? कम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। इसका मतलब ए के साथ क्या मैच है मेरे पास? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मीन्स टू। कॉलम वन का ए एसोसिएट हो रहा है कॉलम टू के सेकंड के साथ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आगे बोलो जी, 7 + (within bracket) 5 + -3 इज सेम एज 7 + 5 + -3, विच प्रॉपर्टी? यहां पर तीन नंबर्स की बात आ गई, और जब भी तीन नंबर आ जाएंगे तो प्रॉपर्टी कौन सी जाएगी? एसोसिएटिव। ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, सारी जगह एडिशन का साइन है, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मीन्स बी इज रिलेटेड विद 5। नेक्स्ट है -5 × -3 इज इक्वल टू -3 × -5, बोलिए जी विच प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है जी, तो सी के साथ एसोसिएट हुआ 6, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। चलिए जी अगला देखिए, 3 (within bracket) है 5 × -3 और दूसरा है 3 × 5 × -3। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन मीन्स डी के साथ जा रहा है 7। फिर अगला है 5 × 0 = 0, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। किसी भी नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 0 के साथ तो मेरा सब कुछ 0 हो जाता है। एक बात बताना, अगर मैं किसी नंबर में 0 को ऐड करूं तो आंसर क्या बनेगा जी? आंसर सेम, कोई चेंज नहीं, 0 की एडिशन से नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर 0 हो जाता है। When a number is added into 0, or I say 0 is added into a number, there is no change in the number, but if I multiply a number by 0, my answer becomes 0. अब ऐसा नंबर बताओ जिससे मल्टीप्लाई करने पर मेरे आंसर में कोई फर्क ना पड़ता हो। वन, वन इज द नंबर जिसकी मल्टीप्लीकेशन से मेरे आंसर पर फर्क नहीं पड़ता। 0 की एडिशन से फर्क नहीं पड़ता, 1 की मल्टीप्लिकेशन से फर्क नहीं पड़ता। आगे चलिए जी, पार्ट में बताइए कौन सी प्रॉपर्टी। 13 इज आउटसाइड, 13 × (within bracket) आई एम हैविंग 10 + -4 एंड आई एम टेकिंग इट एज इक्वल टू 13 × 10 प्लस, हाँ जी, विच प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग मल्टीप्लीकेशन ओवर, आई कैन से एडिशन और सब्ट्रैक्शन, व्हाटएवर आई से। ठीक है जी, चलिए जी, अब ये नीचे जितने भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इनमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी का हम यूज करने वाले हैं। लास्ट क्लास में क्या हमने एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी बात कर ली थी? ठीक है जी, 0 है एडिटिव आइडेंटिटी, 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ द नंबर, आंसर 0 मिल जाए, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, ताकि आंसर 1 मिल जाए। ये चार चीजें हैं हमारे पास। चलिए जी, अब फिल इन द ब्लैंक्स में प्रॉपर्टीज का यूज करके आपने मुझे आंसर बताने हैं।
क्वेश्चन तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जैसे पहला क्वेश्चन है, -15 इंटू 8 प्लस -15 इंटू, यहां पर है -15 इंटू 8 प्लस -15 इंटू 2। एक तो तरीका क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ जाए उसको ऐड करके आंसर दे दो। या दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ मैं यहाँ पर आसान काम करने के लिए? डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या चीज है जो दोनों में पड़ी है, कौन सा नंबर बाहर आएगा ब्रैकेट के? -15 यहां से बच गया 8 और यहां से बच गया 2। -15 इंटू 10, सो माई आंसर इज -150। अगले का आंसर जल्दी से डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ, जल्दी से यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगेन इन टू इट एंड टेल मी वॉट योर आंसर इज गोइंग टू बी। थर्टी इंटू -23 एंड देन 30 इंटू 14। 30 को अगर मैंने बाहर लिया, -23 प्लस 14, बताइए जी -23 प्लस 14 कितना? -23 माइनस का 14 प्लस का, आंसर कैसा आना है? नेगेटिव आना है, पॉजिटिव आना है? नेगेटिव, नेगेटिव। माइनस वाला नंबर बड़ा, आंसर -23 में से 14 को सब्ट्रैक्ट तो नहीं, तो आंसर इज -270। ठीक है जी, तो जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हो, काम आपका आसान हो जा रहा है। एक तो आप क्या करते, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर एडिशन आपकी होती। वो काम को आसान करने के लिए हमने कॉमन निकाला और कॉमन निकाल करके हमने अपना आंसर कैलकुलेट कर दिया। चलिए जी, अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से। आप सब नहीं बोलेंगे, मैं जिसको बुलाऊंगी वो सिर्फ आंसर करेगा। आप अभी फटाफट कैलकुलेट कर लो, जल्दी से कैलकुलेट कर लो सारे। देन आई विल कॉल समबडी, वो आएगा और मुझे आंसर बताएगा माइक के पास आकर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, दैट इज -37, -37 इंटू -7 प्लस -37 इंटू -3। जल्दी से कैलकुलेट हो गया? अच्छा चलिए जी, फिर 7A में से मानव, मानव फ्रॉम 7A, आ जाओ बेटा फटाफट माइक के पास आ जाओ और मुझे आंसर बता और क्या किया है वो बताओ। ना बेटा बोलो, मुझे आवाज नहीं, वापस बोलो। व्हाट इज द आंसर? बच्चे माइक को हाथ में उठा लो, मुझे नहीं सुन रहा आप क्या बोल रहे हो। क्या बोल रहा है ये, कोई और बताएगा मुझे? 370। सर मैंने कैसे आया बेटा वो बताओ, क्या किया, कैसे कैलकुलेट किया बताओ। क्या चीज है जो दोनों में पड़ी है, किसको बाहर रखूं ब्रैकेट के? यहां पर -37 और यहां पर भी क्या पड़ा है, इसको अगर मैंने बाहर रखा ब्रैकेट के, यहां बचा -7 और यहां से क्या आएगा -3। व्हाट इज -7 प्लस -3? -10। दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, आंसर -7 और 3 को ऐड करके आना है। नेगेटिव दोनों के साथ था इसलिए यहाँ पर भी नेगेटिव आ गया और साथ में मल्टीप्लाई हुआ -37। नेगेटिव नेगेटिव ऑन मल्टीप्लिकेशन गिव्स द आंसर एज पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, चलो सीट पर। आपकी बहुत आवाज मुझे समझ में आई नहीं है, पर चलिए कोई बात नहीं। 7B में से
अब आएंगे सेवेंथ बी में से दमन। दमन फ्रॉम सेवेंथ बी। ध्यान से बताना, अगले में आपने क्या करना है, ब्लैंक को फिल करना है। ब्लैंक में मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है -80 में। आई वॉन्ट टू एड समथिंग सो दैट आंसर बिकम्स 0। बोलो बच्चे। मैम +80। पॉजिटिव 80, -80 में सेम अमाउंट का पॉजिटिव नंबर डाल दोगे तो आंसर 0 बनने वाला है। और इस 80 को क्या बोलेंगे, कैन आई से एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स ऑफ 80 80। ठीक है बच्चे, -80 इज दी +80 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -80। एडिटिव इनवर्स में साइन बदल देते थे, सिर्फ प्लस है तो माइनस कर देते थे, माइनस है तो प्लस। चलिए जी, नेक्स्ट है आपके पास, अगेन फिल इन द ब्लैंक करना है। क्या -135 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि आंसर 1 हो जाए। अभी सेवेंथ ए से मुझे बताना है प्रभनूर कौर। चलो बच्चे जल्दी से, -135 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 मिल जाए। 135। 135 से मल्टीप्लाई कर दूं। ध्यान से बताना, अगर मैं इसको 135 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर 1 मिलेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेवेंथ ए में या सामने फर्स्ट बेंच पे लड़की ने हाथ से रख दिया, फर्स्ट बेंच। -135। -135, देखो जी, अगर आप -135 को -135 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर होगा +135 -135। 1 तो आंसर नहीं मिलना फिर भी मुझे। हाँ जी, सेवेंथ बी में फर्स्ट बेंच पे ये दो लड़कियां बैठी हैं जो, आ जाओ कोई सा एक बताओ, आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट। 1 से मल्टीप्लाई करूं। बच्चे अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, जब आप 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आंसर मिलता है, 1 आंसर मिलता है, ऐसा तो नहीं होता। कौन बताएगा मुझे, 7B में से कौन बता रहा है, आ रहा है, अच्छा ठीक है बोलो। 1/-135। अभी थोड़ी देर पहले हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात की थी, मैंने इसलिए पूछा था लास्ट क्लास में किया नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। -135 से अगर हम डिवीजन करें, ध्यान से समझना बच्चों, मुझे आंसर 1 चाहिए। आंसर 1 कब मिलेगा, जब ये नंबर जो न्यूमिनेटर में पड़ा है वो सेम डिनोमिनेटर में हो, तो ये कैंसल आउट हो करके मुझे आंसर 1 देगा। अगर आप -135 या 135 की बात कर रहे हो तो ये तो इसका एडिटिव इनवर्स है। मुझे आंसर 1 लाने के लिए क्या चाहिए, मुझे चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, ए का एडिटिव इनवर्स -A, क्योंकि जब आप ए में -A को ऐड करते हो तो आंसर 0। फिर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने क्या करना होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। एडिटिव इनवर्स में सिर्फ क्या हुआ, साइन बदल दिया, साइन चेंज। प्लस का नंबर था तो माइनस कर दिया, माइनस का था तो प्लस कर दिया। अगर मेरे पास नंबर ए है, इसको इसके रिवर्स से 1/a से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर 1 बनेगा। तो 1/a इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इंटरचेंज न्यूमिरेटर
एंड डिनोमिनेटर तो यहां पर -135 नंबर था, ये -135/1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दिया, न्यूमरेटर को 1 बना दिया, डिनोमिनेटर को -135 बनाया, कैंसल आउट होकर के आंसर 1। ये समझ आया सबको? चलिए फिर अगले पर चलिए, नेक्स्ट है आपके पास। चलिए जरा ध्यान से इसको सॉल्व करके बताना, कर लो पहले सब सॉल्व करो, देन आई विल कॉल समबडी। पर थोड़ा ध्यान से करना, मैं पहले बोल रही हूं, इसमें गलती हो सकती है प्रोबेबली। 1673 मल्टीप्लाइड बाय 99, फिर नेगेटिव साइन, फिर -1673, आंसर क्या बनाना है ये मुझे बताना है। और मैं अभी बुला रही हूँ, किसको बुलाऊ मैं? सेवन ए में से, सेवेंथ ए में से विराज, विराज फ्रॉम सेवेंथ ए, आ जा बेटा फटाफट। कौन सी प्रॉपर्टी लगा करके सिंप्लीफाई कर सकती हूँ और आंसर क्या बनाओगे ये बता। आपकी आवाज नहीं आती, पता नहीं क्या है, माइक में कोई दिक्कत है? हाँ कॉमन क्या निकालूं बेटा? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी मैम, इट इज डिपार्चर टाइम नाउ। अच्छा टाइम हो गया मैम, यस मैम। चलिए ठीक है बच्चों, अगली क्लास में इसको हम फिनिश करते हैं। ओके बच्चों, ओके जी, बाय बाय।